अमीर भी गरीब हो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ लूप होल्स हैं जिसका यूज़ किया गया है, तो उस लूप होल्स को अभी हमारे निफ्टी सेबी वाले कर रहे हैं रिसर्च उसके ऊपर। उसके बाद जो उनकी रिपोर्ट आएगी हम ज़्यादातर उस पर ट्रस्ट करेंगे, रैदर देन हम उस पर ट्रस्ट करें कि जो हमारे फॉरेन का जो हिंडनबर्ग है, वैसे भी वो अभी कभी भी ना ट्रस्टी उस पर नहीं बोलता, बोलता है वी थिंक। क्या अडानी का साम्राज्य झिल जाएगा, क्या अडानी सड़कों पर आ जाएंगे, तमाम सवाल खड़े हो रहे दर्शकों। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे यहां पर अडानी और मोदी से लेकर। देखिए, लगातार देखा जाए तो हमारे देश में एक सवाल खड़ा होता है कि गरीब गरीब होता चला जा रहा है और अमीर अमीर होता चला जा रहा है, लेकिन आज सवाल ये खड़ा हो गया, क्या अमीर भी गरीब हो रहा है। लगातार देखा गया कि हमारे देश में जो 1% अमीर लोग हैं उनके पास देश की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा है, वहीं देखा जाए तो अडानी गो अडानी के नारे लग रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ सर मौजूद। सर, आपका क्या नाम है? विवेक मल्होत्रा। बहुत बहुत स्वागत है मल्होत्रा जी आपका। पहला सवाल ये रहेगा कि जो एक लगातार विपक्ष नारा लगा रहा है मोदी अडानी भाई भाई, क्या लगता है कि यहाँ पर जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो अडानी को बचाने का काम कर रहे हैं? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं। औद्योगिक घरानों से ही भारत का सब कुछ चल रहा, तो ये बेकार की बात है कि अडानी बाहर हो जाए, कल को कहेंगे रतन टाटा बाहर हो जाए, रिलायंस बाहर हो जाए, तो देश कौन चलाएगा? ये बेकार की है। हमारे जो भी राजनेता हैं या जो भी पॉलिटिशियंस हैं वो कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनका सपोर्ट करने का नज़रिया ये नहीं हुआ कि आप इनको किसी इलीगल या किसी और तरीके से सपोर्ट करें। अगर हम इनको कुछ रियायत देते हैं या कुछ और करते हैं तो मेरे हिसाब से वो सपोर्टिव होता है, तो वो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ गलत है। लेकिन एक सवाल ये उठता है, कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि 9 सालों में ऐसा कौन सा टॉनिक पिला दिया अडानी साहब को कि अडानी साहब 609वें नंबर से तीसरे नंबर पर आ गए थे। ये महज बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब तक रही जब तक अडानी जो है 609वें नंबर पर रहे, तो आप इसको कैसे देखते हैं? अगर किसी को बढ़ने ना दिया जाए और उसको वहीं पर रोके रखा जाए, वर्सेस आप उसको अगर थोड़ा सपोर्ट करो, उसके अंदर इतना कैलिबर हो और वो कहीं ऊंची छलांग लगा ले, तो उसमें उस बंदे के कैलिबर पर शक नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर आपको भरोसा है? जो 2 साल रिसर्च किया गया है उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आती है जिसमें काले चिट्ठे खोल दिए जाते हैं, इस रिपोर्ट पर आपको भरोसा है? कहीं ना कहीं हाँ, इसलिए क्योंकि जितना हमें भी उम्मीद थी कि अडानी पे जो ये लगे हैं सारे के सारे, उसमें अडानी एक अपनी जो छवि प्रस्तुत करेगा कुछ इस हिसाब से कि हमारे पर जो एलिगेशंस लगे हैं उसके अगेंस्ट में हमारी ये डॉक्यूमेंट्री से एविडेंस हैं जिसमें हम ये कह रहे हैं कि नहीं ये सारा गलत है, ऐसा कुछ अडानी से आया नहीं। आपने भी वो वीडियो देखा होगा जिस वीडियो में साफ तौर पर देखा गया कि देश के प्रधानमंत्री संसद पहुँचते हैं और संसद में अपनी स्पीच रखते हैं, लगातार कांग्रेस पार्टी को घेरते हैं, लेकिन उस स्पीच के दौरान देखा गया कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता ये नारा लगाते हैं कि मोदी अडानी भाई भाई, इसके बावजूद भी देखा गया कि देश के प्रधानमंत्री लगातार शांत रहते हैं, उस मुद्दे को सुनने के बावजूद भी ये क्लियर नहीं करते कि आप क्या बोल रहे हैं, तो ये शांति क्यों, ये मूक दर्शक बने रहना क्यों? ये मोदी साहब की स्ट्रेटजी है, वो अननेसेसरी या कोई भी ऐसी चीज़ किसी की भी उकसावे में आके नहीं बोलते। मेरे हिसाब से एक हफ्ते के अंदर और भी ऐसे कुछ ना कुछ रिजल्ट्स निकल के आएंगे जिससे क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और सर मौजूद है, उनसे सवाल लेने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरदीप सिंह है। गुरदीप सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल सर यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से देश का एक माहौल बना है, पहले हम कहते थे कि हमारे देश में गरीब गरीब होता चला जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है, तो सवाल ये है कि क्या अमीर भी गरीब हो रहा है? अमीर भी गरीब हो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ लूप होल्स हैं जिसका यूज़ किया गया है, तो उस लूप होल्स को अभी हमारे निफ्टी सेबी वाले कर रहे हैं रिसर्च उसके ऊपर। उसके बाद जो उनकी रिपोर्ट आएगी हम ज़्यादातर उस पर ट्रस्ट करेंगे, रैदर देन हम उस पर ट्रस्ट करें कि जो हमारे फॉरेन का जो हिंडनबर्ग है, वैसे भी वो अभी कभी भी ना ट्रस्टी उस पर नहीं बोलता, बोलता है वी थिंक। जब भी उस पर केस होता है तो वो कहता है वी थिंक, तो हमें उस पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ज़्यादा हमारे जो सेंसर जो सेबी वगैरह है वो ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, हम उस पर ट्रस्ट करेंगे। लेकिन एक सवाल सर ये भी है कि जो नारा एक लगाया जा रहा है अडानी मोदी भाई भाई, क्या सच में देश के प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी वो अडानी को बचाने का काम कर रहे हैं? देखिए, कोई भी अगर हमें बिजनेस खड़ा करना होता है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बैकग्राउंड चाहिए होता है हमें, तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड का बिल्कुल लिंक हो सकता है, लेकिन उसका ऐसे लिंक नहीं हो सकता कि वो स्मगलिंग करें और हम उनका मोदी जी उनका सपोर्ट करें, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल। तो उसमें अगर बिजनेस में हो सकता है उनका कोई लिंक हो, लेकिन वो एक फेयर प्रैक्टिस के थ्रू है,
ऐसा कुछ नौ सालों का अगर हम सफर देखें बीजेपी पार्टी का, तो नौ साल में से तीन साल तो कोरोना के निकल जाते हैं, छह साल की हम बात कर लेते हैं। इन छह सालों में देखा गया था कि जो अडानी है वो 609वें नंबर पर थे, लेकिन अब लगातार ऐसा कौन सा टॉनिक मिला या कौन सी ऐसी खुराक दी गई कि जो है अडानी लगातार तीसरे नंबर पर आ जाते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या सच में जो देश का पैसा है, जो देश के पैसे को अडानी को दे दिया गया, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए उनकी, हाँ, मैंने भी देखा है कि पीछे तीन साल में उनके जो शेयर्स हैं वो 3000 या 2500% बढ़े हैं, तो लेकिन इसमें उन्हीं की कोई अपनी स्ट्रैटेजी है कि उन्होंने जो जहाँ पे उनका बैरियर्स आ रहे थे तो उन्होंने पॉलिटिकल उसको क्लियर करवाया होगा, ठीक है। जैसे जो पोर्ट है, जितना भी गवर्नमेंट टेंडर है, मोस्टली 25 to 30% उन्हीं के पास जाते हैं, तो इसको क्लियर कराया होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे एक बात होती है कि वो उनके ना जाते किसी और पे जाते हैं, कहीं फॉरेन प्रैक्टिसेस, फॉरेन जो कंपनी उनके पास जाते, तो इसको हम ऐसे तो नहीं एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंसी में नहीं देख सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ठीक है, हाँ कह सकते हैं कि इन्वॉल्वमेंट है उनकी। अच्छा एक सवाल, एक मैं आप सवाल लेना चाहूँगा यहाँ पर कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी लगातार सबूत पेश कर रही है, ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी अडानी के साथ चाय कॉफ़ी पीते थे, तो क्या ये चाय कॉफ़ी वाला रिश्ता चल रहा है? यानी कि भाई कहते नहीं हमारे बड़े भाई मोटा भाई, तो ये भाई भाई का रिश्ता है क्या? सच में ये जो भाई चारा का रिश्ता हम कहते हैं, भ्रात प्रेम है क्या ये? देखिए अभी मैं वही कह रहा हूँ ना कि कोई भी हमें बिजनेस खोलना था, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सपोर्ट तो चाहिए होती है, एक लार्जेस्ट स्केल में लार्जेस्ट पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए होती है, लेकिन वो फेयर प्रैक्टिसेस के थ्रू जा रही है नहीं जा रही है, इसकी जांच वो है हमारी, वो हमारे जो भी जाँच एजेंसी है वो जाँच करेंगी और वो हमें कहीं ना कहीं बताएंगी। तो लेकिन अब यह है कि कहीं ना कहीं लिंक तो होता ही है, लेकिन हमेशा ये होता है कि वो फेयर प्रैक्टिस थ्रू लिंक। पार्टी के बयान से आप सहमत हैं? हाँ कुछ सहमत के, वो तो दिखता ही है कहीं ना कहीं, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि अगर अंतिम सवाल सवाल लेंगे कि 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है, देश के प्रधानमंत्री ब्रांड बन चुके हैं, छवि को सुधार लिया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो तमाम उनके नेता उनसे हाथ मिलाते हैं, तो क्या छवि पर प्रभाव पड़ चुका है? 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा घाटा हो सकता है? नहीं नहीं कोई घाटा नहीं होगा इस टाइम पे, मेरे को नहीं लगता कि मोदी जी के सामने जो कोई भी और ऐसी पार्टी है जो स्ट्रांगली खड़ी है, तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी छवि नहीं हो गए, मतलब कि दोबारा 2024 में मोदी जी ही आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदीप जी आपका। देखिए दर्शकों, ये होता है सच और हकीकत बताना, जिसके मन में जो चलता है वो निकलता है, लेकिन लगातार सवाल ये खड़ा होता है कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा। सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंच चुका है, लेकिन सवालों की झड़ी बंद नहीं होगी, सवाल तमाम है और यहाँ पर हम फिर सवाल लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक सर मौजूद हैं, सर आपका नाम क्या है? धनंजय। बहुत बहुत धनंजय सर आपका स्वागत है। पहला सवाल ये उठता है कि लगातार देखा जा रहा है कि हमारे देश में किस तरीके का माहौल बन गया है, महंगाई के मुद्दे पर बात होनी चाहिए, बेरोजगारी के मुद्दे पर बात होना चाहिए, लेकिन बात हो रही है अडानी मोदी भाई भाई, किसको कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? अब इसको किस तरीके से समझा जा सकता है, मतलब आजकल जो है ना पॉलिटिक्स कुछ दूसरे तरीके की हो रही है, ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है और कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो जो अभी देश का डेवलपमेंट अभी हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ, तो हम इसको यही देख सकते हैं कि मतलब ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टैंड है, इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि क्या देश के प्रधानमंत्री अडानी को बचाने का काम कर रहे हैं? लगातार देखा गया कि आप 609वें नंबर पर थे, तीसरे नंबर पर आ गए, कैसे? नौ सालों में ऐसा कौन सा टॉनिक पी लिया यहाँ पर? नहीं, बिजनेसमैन तो अपनी मेहनत से आगे बढ़ेगा ना, उसके लिए स्टेप का कोई मीनिंग नहीं है। कोई 600 पे था, वो आकर के सेकंड नंबर पे आ गया, तो उसकी मेहनत भी पीछे हो सकती है, और अगर बाई चांस कुछ भी गलत समझ में आ रहा है तो उसके लिए जांच एजेंसी है, वो जांच एजेंसी अपना जांच करेगी, उससे क्लियर होगा। तो सर ये भी उठता है कि जो जांच एजेंसियां हैं वो सिर्फ विपक्ष के लिए बनी है, ईडी सीबीआई की बात कर लो, सेबी की बात कर लो, ये तमाम विपक्ष के को लोगों को घेरने का प्रयास करती हैं। लेकिन बड़ा सवाल सर ये भी है कि अगर हम अडानी की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं तो अडानी के साथ कितना सारा संबंध मिला है, निजीकरण का मामला सामने आता है, तो देश के प्रधानमंत्री ने जो निजीकरण किया है इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए जो देश के लिए जरूरी था और जो जरूरी होना चाहिए वो हमारे ख्याल से हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, बाकी जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं अभी ये सब, जब कुछ अच्छा होता है देश में तो उसके लिए बहुत सारे लोग जो है उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं। विपक्षी पार्टियों को सिर्फ पॉलिटिक्स करनी है तो उनको हर जगह पॉलिटिक्स दिखती है। जहाँ तक बिजनेस के सवाल पर है तो अभी बिजनेसमैन जो भी हमारे देश में हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और अपॉर्चुनिटी के हिसाब से वो अपने ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इसमें उसका कोई लेन देन नहीं। हाँ जहाँ तक बात रही अभी जो मुद्दा चल रहा है, इस मुद्दे को जो है आप ऐसा ले सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के लिए आप उसके लिए एजेंसी बिठा सकते हैं, उस पर जाँच करा सकते हैं, बाकी इसमें इसका कोई लेन देन नहीं है। जो भी चीज़ें मतलब छोटे से मुद्दे को भी इतना बड़ा करके सामने लाया जाता है जिसको कि मतलब क्लेरिफाई करना बहुत मुश्किल है आज के समय के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सर ने बोला कि तमाम एजेंसियों को काम करना चाहिए एक्टिव तरीके से। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में ही पहुंचा है, आज लगातार सुनवाई हो रही है, तमाम मुद्दे सामने आ रहे, लेकिन दर्शकों बात तो यही निकलती है ना कि आखिर क्यों यहां पर अडानी मोदी भाई भाई के नारे लगाए जा रहे हैं। बात तो यही निकलती है ना कि देश के प्रधानमंत्री आखिर चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे हैं। बात तो ये भी निकलती है कि देश के प्रधानमंत्री जो लगातार अपने सहनशीलता के लिए जाने जाते हैं, विवेकशीलता के लिए जाने जाते हैं, आज उनका विवेक कहाँ खो गया है, तमाम सवाल होते। लेकिन जिस तरीके देखिए राय जनता ने रखी, राय यहां पर तमाम लोगों ने रखी, किसी ने यहां पर देखा तो अडानी मोदी के पक्ष में बोला, तो कहीं पर देखा तो यहाँ पर अडानी और मोदी के रिश्तों पर सवाल खड़े भी किए। लेकिन सवाल आप भी खड़े करेंगे, जवाब आप भी देंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आखिर क्या अडानी मोदी भाई भाई हैं। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही, देखते रहिए SPN9 न्यूज़।